वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। वैसे देखा जाए तो स्पिटिंग कोबरा यह प्रजाति इंडिया में नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो में हम स्पिटिंग कोबरा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि असल में यह स्पिटिंग कोबरा होता क्या है। तो स्पिटिंग का मतलब होता है थूकना, यानी जो कोबरा अपने वेनम को थूकने की क्षमता रखता है उसे स्पिटिंग कोबरा कहते हैं। असल में यह कोबरा प्रजाति का ही एक सदस्य होता है। हालांकि कोबरा प्रजाति के सभी सदस्यों में अपने वेनम को स्पिट करने की ताकत नहीं होती है। स्पिटिंग कोबरा का वेनम आमतौर पर स्तनधारियों की त्वचा पर असर करता है। हालांकि उस जगह पर ब्लिस्टरिंग यानी फफोले होने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन यदि वेनम का सीधा असर आंखों में होता है तो स्थायी अंधापन पैदा कर सकता है। स्पिटिंग कोबरा ज्यादातर आंखों को ही निशाना बनाकर अपने वेनम को स्पिट करता है, इसलिए इस सांप को रेस्क्यू करना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। इस सांप के रेस्क्यू में हमेशा गॉगल और हेलमेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पिटिंग कोबरा की कुछ प्रजातियां 2 मीटर तक यानी 6.6 फीट तक अपने वेनम को स्पिट कर सकती है। इसके बावजूद ये काटकर भी अपने वेनम को शरीर में इंजेक्ट कर सकती है। स्पिटिंग कोबरा के वेनम में न्यूरोटॉक्सिन्स और कार्डियोटॉक्सिन्स के अतिरिक्त साइटोटॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। अन्य कोबरा की तुलना में यह इसकी एक अलग विशेषता मानी जाती है। स्पिटिंग कोबरा आमतौर पर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। ये रेगिस्तानों, घास के मैदानों और जंगली इलाकों के विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। भारत में भी कोबरा की एक प्रजाति पाई जाती है जो थोड़ा बहुत स्पिटिंग कोबरा जैसा अपने जहर को उगल सकती है। भारत में इस कोबरा की प्रजाति को मोनोक्लेड कोबरा के नाम से या चंद्रनाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर स्पिटिंग का विचार किया जाए तो मनुष्य पानी थूक सकता है, लेकिन जानवर पानी, जहर, पेट का कीचड़ और यहां तक कि फोम भी थूक सकता है। ऐसे स्पिटिंग करने वाले प्राणियों में ऊंट परिवार के कुछ सदस्य स्पिटिंग कोबराज, आर्चर फिश, स्कॉर्पियन फ्लाई, स्पिटल बग्स और वार्लस इनका समावेश किया जाता है। ब्लैक स्पिटिंग कोबरा यानी नाजा निग्री कॉलिस स्पिटिंग कोबरा की ही एक प्रजाति होती है जो अफ्रीका में पाई जाती है। इस कोबरा प्रजाति के कुछ सदस्य 1.2 से लेकर 2.2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि इन सांपों को पहचाने कैसे। तो स्पिटिंग कोबरा की मुख्य पहचान तो यही होती है कि वह अपने वेनम को स्पिट करता है। इसके बावजूद उसका जो हुड पैटर्न होता है उसके पिछले वाले हिस्से में मोनोकल इंग्लिश के यू, फी और एच आकार जैसा होता है, जिसके कारण इसे पहचानने में हमें आसानी होती है। स्पिटिंग कोबरा के फैंग में नीचे एक छोटा सा छेद होता है। जब यह अपने पेशियों को संकुचित करता है तो इसका प्रेशर इसके वेनम ग्लैंड्स पे आता है और इस छोटे से छेद से वह अपने वेनम को स्प्रे कर सकता है। दोस्तों यह वेनम बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक होता है। जब कोई इस वेनम के चपेट में आता है तो उसे बड़ी ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर यह वेनम आंखों में चला जाए तो बहुत ही पेनफुल होता है और स्थायी रूप से अंधापन भी आ सकता है, यानी परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। दोस्तों अगर ऐसे किसी कोबरा ने हमारे आंखों में स्पिट किया तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे आंखों में अगर कोई चीज चली जाती है तो हम ऐसे आंखों को रब करते हैं, लेकिन जब स्पिटिंग कोबरा हमारे आंखों में स्पिट करता है तो ऐसा रब नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में हमें यह करना चाहिए, 2-3 लीटर पानी लेना है और 2-3 लीटर पानी में 2-3 लीटर दूध डालना है और वह घोल मिलाकर हमारे आंखों में ऐसा छोड़ना है। उस दौरान हमारे आंखों को खुले ही रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वह दूध हमारे आंखों में जाकर हमारे आंखों में चले गए वेनम को बाहर निकाल सकता है। दोस्तों इसके बाद हमें यह करना है कि हमारे सिर को गर्दन तक ऐसे पानी में डुबोना है और उस दौरान भी हमें आंखों को खुला रखना है। इससे क्या होगा कि पानी के कारण हमारे आंखों में जो वेनम चला गया है वो बाहर निकलेगा और हमें पेन से थोड़ा सा राहत मिलेगा। इसके बाद टीवी, मोबाइल और सनलाइट ऐसी चीजों से दूर रहना है। हो सके तो हमें खुद को अपने किसी अंधेरे कमरे में बंद करके रखना है। इसके बावजूद हमें अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट भी लेना जरूरी होता है। 24 से 25 घंटे के बाद इस वेनम का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। स्पिटिंग कोबरा और मोनोब्लेड कोबरा के अलावा और एक सांप होता है जो अपने वेनम को स्पिट कर सकता है, मैंगशान पिट वाइपर या
मैंग माउंटेन पीट वाइपर जो चीन के हुनान और गुआंगडोंग प्रांतों में पाया जाता है। तो दोस्तों बस यही थी जहर उगलने वाले सांप यानी स्पिटिंग कोबरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।